भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नारायण आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। तो नारायण, भविष्यवाणी में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे हस्त रेखाओं की, क्योंकि हाथ की रेखाओं में बहुत कुछ छुपा होता है और हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं। हम पंडित जी के पास जाते हैं मंदिरों में, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि आखिर हमारी हाथ की रेखाएं क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ हमारी हाथ की रेखाओं में छुपा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि हाथ की रेखाएं बदलती भी हैं, समय रहते वक्त रहते हस्त रेखाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। तो उन्हीं हस्त रेखाओं के बारे में आज जानेंगे। तो पंडित जी, हस्त रेखाओं का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है, कैसे बदलती है, वो बताइए। नमो नारायण जी। दोस्तों, बात कर रहे हैं हस्त रेखा से, जाने कि आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हालांकि दोस्तों, गीता में एक बात लिखी है कि समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण ने एक बात और भी लिखी है कि कर्म करने से आपका भाग्य बदलता है और कर्म करने मात्र से आपकी रेखाएं सब कुछ चेंज हो जाता है। और दोस्तों, ये सच्चाई है, जो हम कर्म करते हैं वही हमारी हाथ की रेखाएं हमें बताती हैं कि कौन सी रेखा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके इसमें चल रहा होगा वर्तमान में। दोस्तों, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखिए, ये हस्त रेखा है आपका हाथ, समझ लीजिए ये आपका हाथ है। और ऐसी कौन सी वो रेखाएं हैं जो कि आपके हाथ में अगर हैं तो मान के चलिए आपको करोड़पति बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके हस्तरेखा में सबसे पहले ये है जीवन रेखा, ये है जीवन रेखा, लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन से अगर आप देखिए, बिल्कुल अगर यहां से, ये है आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत के ऊपर अगर ये रेखा यहां से यहां तक आती है तो इंसान अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से आगे बढ़ता है और बहुत धनवान व्यक्ति बनता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ठेकेदार, बहुत अच्छे गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं। और यही भाग्य रेखा अगर मूल से निकले, मूल मतलब बिल्कुल जीवन रेखा की जड़ से निकले और ये यहां पे आ जाए, ऐसा व्यक्ति बचपन से, शुरू से ही संघर्ष करके अपना जीवन, अपना तरक्की का रास्ता खुद इख्तियार करता है, खुद बनाता है। और ऐसे व्यक्ति की जिसकी ये रेखा यहां तक जाएगी, मान के चलिए वो व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से पूर्ण कामयाब होगा, जीवन में बहुत मान सम्मान होगा, राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इसी रेखा के बीच में ये कट लग जाए, छोटे 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 छोटे, यही अगर कट आपकी हस्तरेखा में बना हुआ है तो मान के चलिए आपका जीवन में धन तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब समझिए ध्यान से, यही अगर, यही भाग्य रेखा अगर अंगूठे के यहां से, बिल्कुल ये अंगूठा है, देखिए ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे के बिल्कुल अगर जड़ से यहां से निकल के और ये यहां पे मिल जाए और ये रेखा आगे चले, ऐसे व्यक्ति को विवाह के पश्चात 35 साल की आयु से लेकर के 55 साल की आयु तक ऐसा इंसान मालामाल हो जाता है और इतना धन कमाता है, इतना धन कमाता है कि करोड़पति नहीं, वो करोड़ों पति होता है। तो पंडित जी, कह सकते हैं कि जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं वही हमारी तकदीर बदलती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद हमारी रेखाओं में वो सब नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन उसी को देखकर हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तो शायद हमारी हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं, हमारी तकदीर बदल सकती है। तो पहले कॉलर पंडित जी हमारे साथ जयदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप आपका, पूछिए क्या पूछना है। नमो नारायण। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। जयदीप जी, गुरु जी, मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मेरा नौकरी भी 3 साल से नहीं है। तो बताइए। बहुत जगह कोशिश कर रहा, पर सब जगह बातचीत हो रहा पर बुला नहीं हो रहा है। और करीब 20-22 साल से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम नहीं, हाथ डालते तो कुछ भी रहना, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ समय बताए मित्र। 5/3/75। 5/3/75 समय बताए। 4:10 शाम का। 4:10 शाम का। जन्म स्थान? जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड। पूरा नाम? जयदीप। जयदीप भद्रा, PHADRA, जयदीप भद्रा। भद्रा, ठीक है। सातवें घर में मंगल है, कर्क लग्न के। अच्छा, अरे भैया ये तो कर्क लग्न की कुंडली है,
करक लगन तो मैं हमेशा कहता हूँ भगवान राम जी के साथ मिलता है आपका, आपकी कुंडली। भगवान राम के साथ में कुंडली मिलने का मतलब है कि जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष है, पत्नी बच्चे परिवार रिश्तेदार बहुत कुछ छूटते हैं, बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, जीवन में संघर्ष होता है, व्यवसाय काम धंधा। करक लगन है ना, सीधा सा सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ भैया, कर लेना आपका कल्याण हो जाएगा। सुन पा रहे हैं जयदीप जी, उपाय क्या करना है आपने, समुद्र का पानी अपने घर में लाके रख लीजिएगा और बारिश का पानी जरूर इकट्ठा किया करें। जैसे ही बारिश हो एक बोतल भर के रख लिया करो, अगली बार बारिश फिर कभी हो उसको बाहर निकाल दो, फिर नया पानी भर के रख लो। ये उपाय आप करते रहो जैसे जैसे मौका लगे, बस यही उपाय आपको तार देगा, इसी से ही सारे कल्याण सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और इमीडिएट नौकरी की बात करूं तो मोर के पंख सिराने रख लो, और एक मोर का छोटा पंख जो आगे आगे का जो जो चांद होता है मोर पंख में, वो आप अपने जेब में रख के नौकरी के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, कामयाबी मिल जाएगी। चलिए इस उपाय को जरूर अपनाइएगा, बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ अगले कॉलर दिल्ली से ईश्वर दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण भविष्यवाणी में आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, नमो नारायण जी, मुझे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ, समय बताएं। ये उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/7/90 25 जुलाई 1990। बताइए समय बताएं। ये सवेरे 4:25 4:25 सुबह। और जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली, क्या पूछना चाहेंगे बताइए आप इनके लिए। इसके कैरियर के बारे में बताना जरा। हाँ जी, कैरियर के बारे में। कैरियर के बारे में, कैरियर बहुत लंबा होता है, आप एक प्रश्न बताएं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, ताकि हम सीधा मुद्दे पे आए। जी, क्योंकि इसके जो है नौकरी वगैरह का जो है कैसा है, और शादी वगैरह कब होगी। 11 घर में मंगल है, लगन में शुक्र बैठे हुए हैं। सुनो, मंगल और शुक्र जब 11 और लगन में आ गए तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा, उसकी तो आप चिंता छोड़ दो। साथ में घर में शनि है, ज्यादा से ज्यादा लड़की उम्र में बड़ी मिल सकती है, 1 साल 2 साल 6 महीने बड़ी हो सकती है उम्र में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पत्नी भाग्यशाली होती है। 4 ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं धन स्थान पे, ऐसा व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति बनता है और गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, क्योंकि दशमेश बृहस्पति उच्च के सेकंड हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा कार्य करके राज्य सरकार के द्वारा इनको व्यवसाय मिलता है, ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं, गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी, प्रयास जारी रखिए। और मार्च 2019 तक ईश्वर की कृपा से बहुत शानदार समय, सारे काम लगभग विवाह शादी नौकरी व्यवसाय सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल्याण हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंडित जी, आज हम हस्त रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा सुना है, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा और हम आपस में बात भी करते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है, तो हमारी हाथों की रेखाएं खुद ब खुद बदलती हैं। जी, ये खुद ब खुद नेहा जी इसलिए चेंज होती है कि जो हमारे विचार चल रहे होते हैं दिमाग में, एक तो वो बड़ा इफेक्ट करते हैं। जो हमारे विचार दिमाग के अंदर जो भी विचारधारा, जैसे आप टेंशन में बहुत ज्यादा हो तो आपके हाथ के अंदर क्या छोटी छोटी बारीक इतनी रेखाएं आ जाएंगी, इतनी रेखा आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते, टेंशन ही टेंशन दिखेंगी। तब कोई भी हस्तरेखा का पामिस्ट, कोई भी विद्वान आपकी हस्तरेखा देखते कहता है जी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, ये आप बहुत ज्यादा खुश हो। अब इसके अंदर मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, ये जो बृहस्पति पर्वत है, ये जुपिटर माउंट है, जुपिटर माउंट पे यदि ये क्रॉस का निशान बन जाए, ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस का आपकी हस्तरेखा में भी होगा, ये बिल्कुल पहली उंगली अंगूठे के साथ में जो फिंगर है, इसमें जो पहली उंगली की बिल्कुल जड़ में देखिए आप, अगर यहाँ क्रॉस का निशान बन जाए, ऐसे इंसान बड़े विद्वान होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, और तो और अनपढ़ आदमी के हाथ में भी अगर ये रेखा मिलेगी तो मान के चलो वो आदमी इतना टैलेंटेड होगा आप सोच नहीं सकते। अभी मैंने एक इंसान से मिला मैं पिछले दिनों, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, आप मानिएगा कि वो कहते हैं गुरुजी मुझे मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता, लेकिन उनको लगभग 12,000 मोबाइल नंबर अपने स्टाफ के, दोस्तों के, पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े लोगों के, एक्स वाई जेड जो आदमी आज तक उनसे मिला, उन सब के मोबाइल नंबर उस इंसान को याद है। तो दोस्तों इसका कारण क्या, ये बृहस्पति उस इंसान का बहुत तेज होगा, और बृहस्पति में देखिए यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान आ गया तो मान के चलिए
ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, ऐसे लोग धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं और ऐसे लोग जीवन में बहुत कामयाब हैं। पंडित जी कह सकते हैं कि हमारी जो हस्तरेखाएं हैं हमारे जीवन पर बहुत असर डालती हैं। इसी के साथ अगले कॉलर कैथल से अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी। सर मैंने मेरे लड़के के बारे में पूछना था। नाम बताओ जी उनका। सुशांत जी। सुशांत, डेट ऑफ बर्थ समय बताएं। 3 जुलाई। 3 जुलाई 2013 जी। समय बताएं। ये सुबह के 11:25। 11:25 सुबह के। जन्म स्थान? हाँ कैथल जी। कैथल। हाँ उसके ये जानना चाहता हूँ कि वे किस फील्ड में जा सकता है। अभी क्या कर रहे हैं ये? नहीं बच्चा ही है फिलहाल तो। अभी तो बच्चा ही है। 2013 का जन्म बता रहे हो? 3 जुलाई 2013। हाँ हाँ। तो आप अभी पूछ रहे हैं कि किस फील्ड में जा सकते हैं। हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए काल सर्प पूर्ण काल सर्प योग से पीड़ित है कुंडली, लेकिन लग्नेश बुध जो है 10वें घर में बैठे हैं कैरियर के स्थान पे। पहली बात तो ये बच्चा जी नौकरी जिंदगी में नहीं करेगा। जो करने के योग बनते हुए व्यापार, और ऐसे व्यक्ति की बुध बहुत अच्छा है। जब बुध लगन हाँ। का कारक और वो भी 10th में अपनी राशि में बैठा हुआ है। हाँ। लग्नेश मतलब कुंडली का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है बुध मरकरी, और मरकरी जब 10वें घर में अपने घर में अपनी राशि में बैठ गया इसका मतलब प्योर बिजनेसमैन होगा, पक्का बनिया बनेगा। बनिया मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत व्यापारी आदमी, बहुत जबरदस्त, जो व्यापार की बुलंदियों को छूता है, वो वाले योग इस बच्चे की कुंडली में है। पढ़ाई यार इस बच्चे की मुझे लगता है मैनेजमेंट में जा सकता है, एमबीए कर सकता है ये बच्चा, फाइनेंस में जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फील्ड में जा सकता है, लेकिन घूम फिर के व्यापार करेगा ये बच्चा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर अंबाला से सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में आपका, अपना सवाल पूछिए। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी। डेट ऑफ 24/10/1990। 24/10/1990 समय बताएं। सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान? डिस्ट्रिक्ट अंबाला हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट अंबाला हरियाणा। बताएं जी क्या नाम आपका? गुरु जी सुनील कुमार। शादी के बारे में पूछ रहे हैं गुरु जी, कैसा परिवार मिलेगा? कैसा परिवार मिलेगा? परिवार कैसा मिलेगा कि बीवी कैसे मिलेगी? चलिए कोई बात, लगता है कनेक्शन कट गया है। आपकी कुंडली में सप्तमेश क्या बृहस्पति है, और बृहस्पति उच्च के बैठे 11 घर में केतु के साथ। पत्नी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी मिलेगी, पहली बात। शोर शोटर लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। ये पूरा प्रोग्राम आप दोबारा यूट्यूब पे भी देख सकते हो हमारे। और नारायण जी ये रिकॉर्ड की बात करूंगा, जो आपकी जन्म लगन कुंडली में लिखा है मैं वही बात बता रहा हूं। सप्तमेश बृहस्पति 11 केतु के साथ एजुकेटेड होगी, बहुत इंटेलिजेंट होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन दिमाग से इतनी तेज होगी कि आपको खुडे ले लगा के रखेगी, भैया ऐसे नहीं साहब, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और आप चलोगे उनके इशारों पे क्योंकि गुरु के साथ केतु बैठे हैं। खैर कुंडली बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ आपने क्या करना है दोस्त, आपके 4th घर में शनि है, माता या पिता के शनिवार के दिन सरसों के तेल से मालिश कर दिया करो पैरों के ऊपर, सारा जीवन सुखी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का जो है उत्तर मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ और भी आप अपने सवाल रख सकते हैं पंडित जी के सामने, और जान सकते हैं क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, क्या कुछ उसका समाधान होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।